देखिए, दूसरा अहम डिसीजन जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में आपको लेना होता है वो उसकी ब्रांडिंग के हवाले से है। ब्रांडिंग है क्या चीज? असल में ब्रांड इज द नेम, टर्म, साइन और सिंबल और डिजाइन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज दैट आइडेंटिफाइज द मेकर और सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। देखिए, आप मार्केट में जब ऑपरेट कर रहे होते हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में दो बातें चाहते हैं। एक, आप ये चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट को याद रखा जा सके, उसकी कोई पहचान हो। दूसरा ये कि आपकी प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट किया जा सके, तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट्स का कोई नाम रखते हैं, उनका कोई नाम रखते हैं, उनका कोई सिंबल बनाते हैं, उनका कोई खास डिजाइन होता है, कोई साइन होता है, कोई मार्क होता है, या एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसके दो पर्पज होते हैं। एक ये कि आपकी प्रोडक्ट पहचानी जाए, दूसरी वो दूसरों से मुनफरिद भी हो, दूसरों से अलग भी की जा सके। ब्रांड का वही काम होता है एक प्रोडक्ट के लिए जो हमारे नाम का होता है। देखें, हमारे वालदैन हमारा नाम क्यों रख देते हैं? हम नाम के बगैर क्यों नहीं जिंदगी गुजार सकते? क्या मसला है हमारे साथ भाई? अगर क्या होता, अगर मेरा कोई नाम ना होता, आपका भी कोई नाम ना होता, तो क्या होता? गड़बड़ होती जनाब। हम एक दूसरे को ए लड़के, ओ लड़के, ए लड़की, ओ बूढ़े, ओ बड़े कह के पुकारते। कितनी बुरी बात होती ना, होती ना बुरी बात। तो भाई, इसी इस बुरी बात से बचने के लिए हमारे नाम होते हैं। जब हमारे नाम होते हैं ना, तो हमें दो फायदे होते हैं। एक फायदा ये होता है कि हम पहचाने जाते हैं, दूसरा दूसरों से अलग भी किए जा सकते हैं। यही काम ब्रांड का प्रोडक्ट के हवाले से होता है। तो आप जब ब्रांड का डिसीजन कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखना होता है। अभी हम उस तफसील में नहीं जाएंगे, आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। लेकिन एक अहम फैसला जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट के हवाले से एक मार्केटर को करना होता है वो उसकी ब्रांडिंग के हवाले से होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आप फैसला करते हैं वो पैकेजिंग के हवाले से होता है। देखिए, पैकेजिंग क्या चीज़ होती है? पैकेजिंग इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर फॉर अ प्रोडक्ट। देखिए, प्रोडक्ट्स जो हैं उनको आपने जब कस्टमर्स तक पहुंचाना होता है तो उसके लिए आपको कोई कंटेनर या उसके रैपर की ज़रूरत होती है। असल में पैकेजिंग की ज़्यादा ज़रूरत उस वक़्त पड़ी जब हमें दो काम करने पड़े। एक ये कि हमने ये चाहा कि प्रोडक्ट्स की लाइफ बढ़ जाए, दूसरा हमने चाहा कि उनकी मोबिलिटी बढ़ जाए। मोबिलिटी का मतलब यह है कि प्रोडक्ट्स को एक जो जगह पे प्रोड्यूस होती हैं उनको उस जगह से दूर जाकर भी बेचा जा सके या उनको दूर भी फराहम किया जा सके। अब जब आपने एक प्रोडक्ट को उसकी बनने के बाद ज़्यादा देर तक बाकी रखना है या उसको उसकी प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन से कहीं दूर ले जाना है, तो आपको उसको पैक करना पड़ेगा। अच्छा, आप जब पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट आ गया तो जो पैकेजिंग है वो एक मल्टीपर्पज़ एट्रीब्यूट या आप डिसीजन होता है। अव्वल अव्वल तो ये किसी प्रोडक्ट को महफूज रखता है इस हवाले से कि उसकी शेल्फ लाइफ या उसकी लाइफ बढ़े, और दोम ये कि उसकी मोबिलिटी में इजाफा हो। उसके बाद जो पैकेजिंग है, अब याद रखिएगा, वो किसी प्रोडक्ट का पहला तारुफ भी होता है कस्टमर्स देखने वाले के लिए। तो आप पैकेजिंग को सिर्फ मजबूत ही नहीं होना चाहिए बल्कि पैकेजिंग को कंफर्टेबल भी होना चाहिए, कन्वीनियंट भी होना चाहिए और अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। आमतौर पे पैकेजिंग जो है वो आपकी तीन लेवल्स पे होती है। प्राइमरी पैकेजिंग, यानी आप एक साबुन की मिसाल ले लें या फिर टूथपेस्ट की मिसाल ले लें। चलें, टूथपेस्ट की मिसाल ज़्यादा अच्छी रहेगी। टूथपेस्ट आपके पास जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, वो आप देखें कि एक प्लास्टिक टाइप का कंटेनर होता है जिसके ऊपर एक, आप कहें कि एक उसका ढक्कन सा लगा होता है जिसको आप घुमा के खोलते और बंद कर देते हैं। वो आपका प्राइमरी पैकिंग है उसकी टूथपेस्ट की, जिसमें आप आखिर तक जब तक उसमें वो पेस्ट होता है आप अपने पास रखते हैं। लेकिन दुकान से आपको वो सेकेंडरी पैकिंग में मिलता है जिसको शॉपिंग पैकिंग भी कहते हैं। एक गत्ते का डब्बा होता है जिसके अंदर वो टूथपेस्ट होती है, वो उसकी सेकेंडरी पैकिंग होती है। और जो स्टोर वाला है जहाँ से आप वो टूथपेस्ट लाते हैं, उसको एक जो है वो तीसरे लेवल का जो कंटेनर होता है उसका, जिसको थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग कहते हैं,
उसके अंदर आपको वो शिपिंग पैकेजिंग कहलाती है आमतौर पर, इसमें शिप किया जाता है, बड़ा सा कार्टून होता है उसके अंदर बहुत सारी वो पैकेजिंग टूथपेस्ट उन्होंने रखी होती है। तो इन तीनों पैकेजिंग के अपने अपने फ़ायदे हैं, इस तरह के शिपिंग करने के लिए वो बड़ा कार्टून इस्तेमाल होता है, फिर कस्टमर को देने के लिए वो कार्ड का बोर्ड इस्तेमाल होता है, और फिर आखिर तक प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए वो प्लास्टिक का कंटेनर जो है इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके बाद अगला जो अहम डिसीजन है वो आपके लेबल्स का है। मैं भी आपको ये बताऊंगा कि पैकेजिंग के हवाले से आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, लेबल्स क्या होते हैं, जब प्रोडक्ट्स पैक होने लगी तो प्रोडक्ट तो असल में पैकिंग के अंदर चली जाती थी, और इस बात की इजाज़त नहीं होती थी कि आप उसको बाहर निकाल के देखें जब तक कि आप उसे खरीद नहीं लेते। तो फिर ऐसे होने लगा कि कुछ लोगों ने फ्रॉड करने शुरू किए। अभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग में देखते हैं तो ये कुछ होता है, दिखाया कुछ और जाता है और भिजवाया कुछ और जाता है। लेकिन होने क्या लगा कि जो चीज़ होती थी वो अंदर से कुछ और निकलती थी और पैकिंग कुछ और होती थी। तो फिर जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने ये कहा कि लेबल किया जाएगा हर पैकेजिंग को, यानी हर जो प्रोडक्ट पैक होगी जिसको खोलने की परचेज करने से पहले इजाज़त नहीं दी जाएगी उसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन ज़रूर लिखी जाएगी। यानी कि ये लिखा जाएगा कि ये प्रोडक्ट है क्या चीज़, इसके अंदर कौन कौन से अज्ज़ा हैं, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कौन सी है, ये कब बनाई गई, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब तक इस्तेमाल हो सकती है, इसकी कीमत क्या है, उसके अलावा बहुत सारी दूसरी मालूमात जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट के अंदर मौजूद पैकिंग के अंदर मौजूद प्रोडक्ट को समझने में मदद दे वो ज़रूर लिखी जानी चाहिए। ये लेबलिंग है और ये अब एक लीगल रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर आमतौर पर प्रोडक्ट्स को बेचा नहीं जा सकता है। तो पैकेजिंग करते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, एक तो लेबलिंग का, दूसरा ये कि वो मटेरियल जो आप पैकेजिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं एक तो उसको अट्रैक्टिव होना चाहिए, और दूसरा उसका उसको इतना महंगा नहीं होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अफेक्ट होना शुरू कर दे। अच्छा, उसके बाद आखिरी डिसीजन जो है वो सपोर्ट सर्विसेज का होता है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के प्री परचेज या ड्यूरिंग परचेज या आफ्टर सेल जो सपोर्ट सर्विसेज फराहम की जाती हैं उनको सपोर्ट सर्विसेज कहते हैं। ये बहुत वैल्यूएबल सर्विसेज होती हैं। आमतौर पे जो आपकी शॉपिंग प्रोडक्ट्स और जो आपकी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन ये आप ये याद रखें कि जो आपके सपोर्ट सर्विसेज हैं वो ना सिर्फ कस्टमर को बेनिफिट देती हैं बल्कि वो आपकी कॉस्ट में भी इजाफा कर देती हैं। सो बी केयरफुल वाइल यू डिज़ाइन योर सपोर्ट सर्विसेज, उसमें एक बैलेंस क्रिएट करें कि आपकी प्रोडक्ट भी महंगी ना हो और कस्टमर भी कंफर्टेबल रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए जो 5 डिसीजंस दिए जाते हैं वो कौन से होते हैं। थैंक यू वेरी मच।